अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अल्लाह के फजल करम से शादोआबाद। आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ व्लॉगिंग के बारे में कि किस तरह व्लॉगिंग हमारे यंगस्टर्स के मेंटेलिटी पर नजरअंदाज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लॉगिंग वीडियोस और ब्लॉग्स के वर्ड्स को मिला के बनाए। पहले जमाने में कोई भी इंसान अपनी जिंदगी किसी भी टॉपिक के बारे में ब्लॉग लिख दिया करता था और लोग वो पढ़ा करते थे। व्लॉगिंग इसी चीज का एक जदीद वर्जन है। व्लॉगिंग में एक कैरेक्टर आपके सामने मौजूद होता है जिससे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें व्लॉग्स देखना क्यों पसंद है और हमें व्लॉग्स इतने अच्छे क्यों लगते हैं, इसके तीन रीजंस है। एक वायरिज्म, दूसरा अटेंशन स्पैन एंड तीसरा इजी टू गो। सबसे पहले वॉयरिज्म की बात करते हैं। वॉयरिज्म इसका मतलब होता है कि किसी की पर्सनल या प्राइवेट लाइफ देख के एक प्लेजर हासिल करना। हम जब किसी की फैमिली को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं तो हम जज करते हैं कि वो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है या उनके पास कितना पैसा है। और जो लोग ये सब दिखा रहे होते हैं उनके लिए ये सब बहुत आसान हो जाता है और वो मजे से अपनी दुकान चलाते हैं। वो सब कुछ दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे घर में ड्राइंग रूम किस वजह से होता है कि जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आता है ताकि वो पूरे घर की प्राइवेसी मेंटेन रहे, इसलिए एक वो ड्राइंग रूम एग्जिस्ट करता है। लेकिन आजकल के दौर में गेस्ट तो दूर, आप एक अननोन बंदे को अपने घर के बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम सब दिखा रहे हैं। दूसरी बात अटेंशन स्पैन। पहले जमाने में लोग बुक्स पढ़ा करते थे, एक बुक को खत्म करने में तकरीबन 5 से 7 दिन लगते थे। लेकिन अब लोगों में इतना पेशेंस नहीं रहा, लोग बुक से 15 से 20 मिनट की वीडियोस पे आए और वीडियो से आप शॉर्ट्स पे आ गए। और अब तो पेशेंस का यह आलम है कि अगर कोई 15 से 30 सेकंड तक का शॉर्ट आपको समझना है तो आप उसको फौरन स्क्रॉल अप कर देते हैं। यानी कि इंसान के पेशेंस का यह आलम है कि उसको हर 2 से 3 सेकंड के अंदर एंटरटेनमेंट चाहिए। और व्लॉगर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके माइंड से खेलते हैं, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आप उनको देख के हंसते हैं और कहते हैं कि कितना बेवकूफ बंदा है। लेकिन असल में वो बेवकूफ आपको बना रहे होते हैं और अपना टाइम कैश कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं बच्चों के व्लॉगिंग देखने के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो एक डेवलपिंग एज होती है, उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है और ये सब उनके सबकॉन्शियस में फीड हो रहा होता है। वो ये आगे जाके ये समझते हैं कि अगर हमें मशहूर बनना है या हमें पैसे कमाने हैं तो हमें आगे जाके यही करना होगा और फिर इसी राह की तरफ वो निकल चलते हैं। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, जो कि इजी टू गो। जो यूट्यूबर्स इंफॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोरो, इरफान जुनेजो, ध्रुव राठी, ये लोग पहले रिसर्च करते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर ए टू जेड सारी चीजों को फाइनलाइज करते हैं और फिर शूटिंग करते हैं और फिर एडिटिंग करते हैं। इसमें काफी एफर्ट लगती है। लेकिन व्लॉगिंग बनाने में आपने बस कैमरा उठाना है और मुंह में जो अनाप शनाप आए शुरू हो जाना है। आपको चाहिए बस अच्छी सी थोड़ी सी एडिटिंग एंड यू आर इजी टू गो। 90% व्लॉग्स फेक होते हैं। ये लोग वही दिखाते हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं। कभी आपने किसी व्लॉग में देखा है कि कोई दुखी दिखाओ? सारे व्लॉगर्स इतने खुश क्यों होते हैं अपने व्लॉग्स में? इन द एंड लोग अपनी लाइफ को इन व्लॉगर्स की लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ये देखते हैं कि ऐसी हरकतें करने के पास इनके पास कितना पैसा है और सब कुछ है, और फिर घूम फिर के अपने आप को एक जहनी डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं। इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि जो लोग ये देख रहे हैं या अपने बच्चों को ये दिखा रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के दिखाया करें कि आप अपने बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह।